इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th अध्याय 1 माता का आंचल भाग 2, जिसमें हम जहां पर छोड़े थे वहां से पढ़ना शुरू करते हैं। तो कभी कभी हम लोग बारात की भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता था, कोई भी टीन उठाकर हम लोग उसको बाजा बजाते थे, और आमोले मतलब आम के बीज का जो बीज का होता ना पुपुही, उसको पू पू करके बजाते थे लोग, तो वो बजाते थे और उसको घिस कर सहनाई बजाई जाती थी। देखो उसको लेकर घिस दो और घिस को चिपका दो, और चिपका कर जब फूको ना तो उसमें से आवाज निकलता है, तो बजाई जाती थी। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती थी, और पालकी दुल्हन लाने के लिए वो टूटा हुआ चूहेदानी से बनता था। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते, और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने के पास पहुंचता था। चबूतरे के एक कोने से चलकर दूसरे कोने पहुंच जाता था। दरवाजे लगते थे, जिसको बोलते हैं दुवारी लगती थी, वहां काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लीपे। काठ का पटरी हुआ करता मतलब लकड़ी का तख्ता, और उसको गोबर से लीप दिया जाता था। आम और केले की टहनिया से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिये का कलश रखा जाता था। देखो आम और केले के डाली से सजाया जाता था आंगन, उसमें दुल्हन और उसके इर्द गिर्द दुल्हन जहां पर घूमती है ना, एक कुल्हा में छोटा सा मटका रख दिया जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार का मतलब लाल चादर, तो लाल चादर उसको डालकर मतलब ओढ़ाकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। ठीक है, लौट आने पर बाबूजी एवं ही ओहार उठाकर मतलब ऊपर का घूंघट उठाकर और कपड़ा उठाकर दुल्हन का मुख निहारने लगते थे। तेव ही हम लोग हंस कर भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होते ही राय बनती थी कि खेती की जाएगी। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती थी, पूरा फाटक उसको डालकर उनके नीचे, नहीं ये घिरनी ऊपर वाला है मतलब छत्ता वाला, तो वो डालकर उसके नीचे कुआं बन जाता था। ठीक है, कुआं बनाते थे पानी निकालने के लिए। मूज की बटी हुई पतली रस्सी मतलब मूज का बड़ा हुआ पतला रस्सी और एक चुक्कर बांध उसमें कुछ भी छोटा सा बाल्टी जैसा बांध कर गरारी पर मतलब कुएं के धारी पर लटका दिया जाता था, और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे और बैल बनकर खेत को जोतने लगते थे। और चबूतरा जो था तो चबूतरा खेत बनता। ठीक है, और कंकर बीज बनता, और डेंगा हल जुआटा, और डेंगा जो होता था लाठी जैसा तो उसको हल चाहे जुआठा बोलाते थे, तो हल जुआठा बनता। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। फसल तैयार होते ही न लगती हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। अब देखो फसल तैयार होते देर न लगती हम हाथों हाथ उसको काट लेते। काटते समय गाते थे एक गाना, कौन सा गाना था, और वो गाना कुछ इस तरह है, ऊंच नीच में बई कियारी, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भाई हमारी, ऊंच नीच में बई कियारी जो उपजी सो भाई हमारी। यही इस गाना गा गा कर ये लोग काटते थे। फसल को एक जगह रख कर उसे पैरों से रौंद डालते थे मतलब कुचल देते थे। कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौल कर राशि तैयार कर देते थे। अब देखो यहाँ पर उसको सब मतलब उसको कुचल कर और कसोरे का सूप, यहाँ पर कसोरे का मतलब देखो कितना नंबर है, 17 नंबर, मिट्टी का बना छीला कटोरा, ठीक है सॉरी छिछला कटोरा मतलब मिट्टी का एक कटोरा, तो मिट्टी के कटोरे में उसको रख देते थे और उसका उसको ओसाते थे। ओसाते मतलब उसका सब गर्दा निकालते थे हवा के प्रेशर से। गांव में जाओगे तो आप देवड़ी सटुई बाल्टी चाहे
ये सूप, उसमें लोग उठाकर पंखा रख कर ओसाते हैं ना कि अनाज वहीं पर रह जाए और जो गर्दा है वो निकल जाए। तो उसको निकालते थे और मिट्टी का तराजू बनाकर उसको तौल कर राशि तैयार करते थे कितने रुपया का है। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, कैसी रही खेती अब की। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मजा की खेती थी, कैसी मौज की खेती थी वो, कितना मजा आता था। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बार बार खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। बटोही मतलब जो वहां से आते जाते लोग थे, चाहे चिड़िया हो गई, वो सब वहां पर बैठकर हमारे तमाशे को देखकर हंसा करते थे। जब भी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, वहां पर ददरी का एक मेला लगता था, जब भी वो झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। तो ये सब कूदते कूदते एक गाना गाते थे, चलो भाइयों ददरी, चलो भाइयों ददरी, सूत पिसान की मोटरी, सूत पिसान की मोटरी, मतलब चलो भाइयों ददरी सत्तू पिसाने के लिए मोटरी लेकर। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदारी पालकी, मतलब वो पालकी को चारों तरफ से ढक के ले जाते थे ना, लड़की तो उसमें गर्मी से परेशान हो जाती होगी, तो पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे, एकदम हंस हंस कर चिल्लाने लगते थे। उसके रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। इन लोगों कहने का मतलब था कि रहरी में रहरी पुरान रहरी, मतलब रहरी मतलब अरहर का दाल, अरहर का दाल, अरहर का दाल, जो डोली में बैठी है वो हमारी पत्नी है। इन लोगों का साफ कहना है, रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोला के कन्या हमार मेहरी, हमार पत्नी। इस पर एक बार बूढ़े वर मतलब बूढ़ा दुल्हा ने हम लोगों को बड़ी देर तक खदेड़ा, बहुत दूर दूर तक खदेड़ कर ले गया, ढेले से मारा था। उस खसूट बख्शी मतलब उस क्या बोलते हैं उसको, अकरू, अकरू सूरत आज तक हमें याद है, जिस तरह दुल्हा हमें घसीट घसीट कर भगाया था। न जाने किस ससुरे ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था, ऐसा ही बुढ़ापा बुढ़ा वाला मिला, वैसा घोर मुआ मतलब वैसा काला मुंह वाला आदमी हमने कभी नहीं देखा, ऐसा घमंडिया दुल्हा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। एक कहानी मैं बताता हूँ, हमारे गांव में किसी की शादी थी तो ऑर्केस्ट्रा जा रहा था, ठीक है, तो ऑर्केस्ट्रा में लवंडा नाचते थे। लवंडा का मतलब होता है लड़के, जब लड़की बन के नाचते हैं ना तो उनको लवंडा बोला जाता है, तो वही ऐसे लड़कों को भी लवंडा बोला जाता है, लेकिन लवंडा डांस था। तो एक लड़का वहां पर डांस कर रहा था, लड़की का कपड़ा पहन कर, तो एक जटहवा फूल हुआ करता था, बरसात के सीजन में जटहवा फूल आराम से मिल जाता है, गर्मी के सीजन में मतलब एक बार कहीं फेंकोगे ना तो वो चिपक जाएगा वहां पर जाकर, इतना ना उसमें बाला होता था, तो जैसे बाल में फेंकोगे तो बाल में जाकर पूरा बाल को ऐंठ देगा। तो वैसे ही मुट्ठी से मुट्ठी लोग फेंकते थे, हम भी फेंकते थे भैया, हम भी उस समय बच्चे थे, लेकिन हम फेंकते थे तो दिखा कर नहीं फेंकते थे, छुपा कर फेंकते थे। लेकिन ये वो क्या किया कि दिखा कर फेंक दिया, कूद तेरी हो तो ट्रैक्टर में से कूद गया, कूद कर खेता में लग दोहरा कब पीटा था, तो हमें आज भी याद है। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती थी, आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे, क्योंकि उनको आम चुनना जो था, वहां चुन चुनाकर घुले घुले गोपी मतलब घुले घुले एकदम जो पका हुआ आम था उसको खाते थे और चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई मतलब रुक गई, आकाश काले बादलों से ढक गया, बादल गरजने लगे, मतलब मेघ यहाँ पर है, मेघ मतलब बादल होता है, बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी, पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे, पेड़ झूमने लगे और जमीन को छूने लगे, इतना ज्यादा तेज आंधी था। हम लोग चिल्ला उठे और चिल्लाते चिल्लाते एक गाना भी गाया करते थे, हम लोग में क्या गाना गाया जाता था, तो ये लोग गाते थे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई और बरखा उधरे बिलाई, मतलब एक पैसे की लाई बाजार में छिटाई, उसमें बिखर गया और बरखा उधरे खत्म हो जाए। हम लोग भी जब छोटे थे तो गाते ही थे,
एक हमें कहानी याद है, पानी आधी आई पानी आई, और उसका नाम लेकर, किसी दोस्त का नाम लेकर उसकी नानी आई नानी आई, ऐसे हम लोग बहुत गाया करते थे। ऐसे हमारे जो बड़े चाचा जी लोग जो थे, और छोटे चाचा, वो लोग बोलते थे आधी आई पानी आई, पुई दादा के नानी आई, ऐसे हमको छोटे में थे तो बोला करता था लोग। बहुत गुस्सा आता था उसे, मन करता था कि एकदम पटक पटक के मारूं, लेकिन उतनी औकात नहीं थी। अब औकात है तो इतनी इज्जत करते हैं कि हमें उतना उस तरह सोचने की मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन बरखा ना रुकी, बरखा खूब हुई और ही मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से, पेड़ के जड़ से धर से सट, मतलब पेड़ का जो ऊपर का जो सिला होता है सिल्ली, उसके धर से सट गए, मतलब लिपट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। और कुत्ते के कान में अठई मतलब खून चूसने वाला छोटा सा एक कीड़ा। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। अठई ऐसे भी जानवर के देह में आपको दिखने को मिल जाएगा जो धीरे धीरे खून चूसता है, और बरखा खत्म नहीं हुआ, रुक गया। और मैं जब पढ़ रहा था ना खुद आपको पढ़ाने के लिए, उस समय भी बरखा हो रहा था, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे, और वो बिच्छू वाला इलाका था तो बिच्छू उधर दिख रहे थे। हम लोग डर कर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात यह है कि उसने बीच में मूसन तिवारी मिल गए, और तो ढीठ था ही बैजू, अब बाद में उसे मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सोचता कम था, और बैजू उनको चिढ़ाता बोलता था, बहुत चिढ़ाता था। बूढ़ा बेईमान मांगे बूढ़ा बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा, बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू कर देते थे कि बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। आप सबको याद होगा कि जब आप लोग क्लास छोड़कर निकलते होगे, हाँ हम लोग के बाद में, पहले की बात बताता हूँ, करीबन आज से 10 साल पहले की बात। आप सब जानते ही होंगे, जो गांव में पढ़ा होगा जानता होगा, मास्टर जी चाम चटिया, मास्टर जी मर गलन उठाओ खटिया, ये एक था। और एक और था लेकिन हमें याद नहीं आ रहा है, वो मछली वाला। अब देखो, मसून तिवारी ने बेतहाश खदेड़ा, मतलब मसून तिवारी ने बहुत खदेड़ा हमें। हम लोगों तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी की रफ्तार में भाग गए, बहुत तेजी भागे। जब हम लोगों ने उन्हें मिले ही नहीं, तिवारी जी सीधे पाठशाला चले गए। वहां से हमको और बैजू को पकड़ने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर भेजे गए थे। इधर जे ही हम लोग घर पहुंचे, त्यों ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया, हम पकड़े गए। फिर तो गुरु जी ने हमारी खूब खबर ली थी। बाबूजी ने यह हाल सुना और दौड़ते हुए पाठशाला में आए, गोद में उठाकर हमें चुपकाने लगे, चुप कराने लगे और फुसाने लगे, फुसफुसा कर कुछ बोलने लगे, मतलब चुप कराना और फुसलाना, मतलब फुसलाने लगे, हमको पुलाने लगे कि बेटा चुप हो जाओ। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, हम दुलार से चुप होने वाले नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से भिजा दिया करते थे, तर कर देते थे। वह गुरु जी के चिरौरी, चिरौरी मतलब बिन्नती, उनसे आज्ञा लेकर हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, वे जोर से नाचते और गाते थे, और फिर उसके बाद से उतर गए। माई पकाई गरगर पुआ, माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ न खेलब जुआ। माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। ऐसे भी समझ में आता है कि पुआ खाएंगे जुआ नहीं खेलेंगे। फिर क्या था, हमारा रोना धोना भूल गया, सब खत्म। हम हट करके बाबूजी के गोद से उतर पड़े और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तान सुर लगाने, माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ ना खेलब जुआ। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े, उसमें चिड़ियों का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े पड़े
होकर देख रहे थे, क्योंकि हम छोटे थे, नहीं जाना चाहते थे। राम जी की चराई, राम जी के सॉरी राम जी के चिराई, राम जी का खेत, राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खालो चिराई भर भर पेट। राम जी की चिराई, राम जी का खेत, खालो चिराई भर भर पेट, ये भी गाना होता था। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कह रहे थे हंसते हंसते कि चिड़िया की जान जाए, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। मतलब चिड़िया परेशान हो जाती है लड़कों का खिलौना बनते बनते। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर नहीं होती। अब देखो, सचमुच लड़के चाहे बंदर पराई, लड़के और बंदर में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों एकदम बदमाश होते हैं। एक टोले पर जाकर, सॉरी एक टीले पर, मतलब एक मिट्टी का चाहे ढेर था चाहे कुछ भी, उस पर जाकर हम लोग चूहो के बेल से पानी उछालने लगते थे। और एक टीला क्या, मतलब एक माटी का बड़ा सा गुंबद था, उसमें लगता था कि वो चूहा है, लेकिन उसमें चूहा नहीं था, सांप था, और उसमें लोग पानी ढालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, ठीक है, उसमें पानी डालना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब सांप आ गया, रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाश भाग चले। कोई आधा गिरा, कोई मुधा गिरा, कोई इधर गिरा तो कोई उधर, कोई अनटाचित और किसी का सिर फूटा तो किसी की दांत टूटी। सभी गिरते पड़ते भागे, हमारी सारी देह लहूलहान हो गई थी। मतलब गिरते फिरते थोड़ा मोड़ा कट जाता है ना, तो खून लग जाता है, तो खून लग गया था। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए, और पैर के जो नीचे का ताराजू तरु है, इसको क्या बोलते हैं, एरी, एरी के बाद तारु, ये सब इसमें छल्ली छल्ली, मतलब कांटा घुस गया था पैर में, तो पैर का पूरा पहुंचा कांटा कांटा हो गया। वैसे ही भागते 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 घर आए। देखो यहाँ पर किस तरह भाग रहे हैं, इधर दिखा ना। एक कहानी मैं बताता हूँ, ये कहानी मेरा ही है। हम थे और हमारी एक भांजी लगेगी, वो थी, तो हम लोग एक आम के पेड़ के नीचे हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पर हम लोग झूला झूल रहे थे। मेरा एक गाछ था तो वहां पे एक डाढ़ी काट कर रखा गया, तो खूब झूलने वाला था। तो दोपहर का समय था, करीबन 3 बज रहा था। हम और हमारे भैया और एक और लड़का था, नाम मुझे याद नहीं है, और एक भांजी थी, बहुत झगड़ाहीन थी, बहुत लड़ती थी। तो हम लोग देखे कि बंदर आ रहा है, तो हम लोग भाग गए। वो बोले कि मैं बंदर उंदर थोड़े आ रहा है, भाग रहा है इसी तरह। तो जब देखी कि बंदर उसी के डाली पर बैठा है, तो बहुत मजा आया। उसने वहां से जब भागना शुरू किया तो लगा ठेस, धबाक से ना एक पटकन, फिर उठी, फिर धबाक से ना एक पटकन, फिर बंदर आकर मारा एक, मतलब ढकेल दिया, धक्का दे दिया, तो फिर गिरी, फिर जो उठ के भागी, क्या भागी यार, लगता था कि बाइक को फुल स्पीड में भगाया जा रहा है। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के ओसोरे में बैठे थे, मतलब आगे वाला रूम में, मतलब बरांडा में बैठे थे, बैठकर हुक्का गुरगुरा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए माई के पास ही चले गए, जाकर उसकी गोद में शरण ली, उसके गोद में जाकर बैठ गए। माई चावल अमनिया रही थी। अमनिया मतलब क्या होता था, माँ चावल को साफ सुथरा कर रही थी, फटक रही थी, ठीक है। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी, ये बेटा भय का कारण तो बताओ, हुआ क्या, क्यों इतना डर रहे हो। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंग को अपने आंचल से पोंछकर हमें चुम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी कि भैया बात क्या है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपा गया, लगा दिया गया। घर में कुहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर में सिसिया रहे थे, उस तरह धीरे धीरे नहीं सुई सुई कर रोता है। माई के आंचल में लुके चले जाते थे, छुपे चले जाते थे। सारा शरीर थर 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 कांप रहा था, रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी, इतना डर था। हमारे कांपते हुए ओठों को माई बार बार निहारती होती थी, निहारती रहती थी हमेशा।
ठीक है, बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इस समय बाबूजी दौड़े आए। बाबूजी दौड़ कर आए, जब उनको मालूम चला, आकर झट से माई की गोद से अपने गोद में लेने लगे थे। पर हमने माई के आंचल की प्रेम और शांति के चंदुए की छाए न छोड़ी। वो कितना भी किए लेकिन माँ के आंचल से हम नहीं निकले बाहरी, हम बाहर नहीं आए। एक बार मुझे कहानी याद है, हम अपने बाजार पर जा रहे थे पापा के साथ साइकिल पर, और गलती से मेरा पांव फंस गया चैन में, और चैन में फंसा तो जाकर हमें लग गया, चक्का में कट गया, कट गया तो मेरा एड़ी ही गायब हो गया था। उस समय एड़ी बहुत मुलायम हुआ करता था, कट गया। फिर बाजार पे गए, एक गो सुई दिया गया, एक सुखाने का सुई दिया गया, उसके बाद से बंडेज पट्टी हुआ, घर पे लाया गया। घर पे लाया गया तो रो रहे थे, रोते 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 रात हो गया, सो गए, खा पी कर हो गया। तो ये सब हालात थी। तो माँ का आंचल एक अनोखा होता है हर बच्चे के लिए, और जिसको माँ का बाप का प्यार नहीं मिला ना, तो जिंदगी में अगर उसके साथ कोई अच्छी पत्नी है प्यार करने वाली, तो उसकी जिंदगी अच्छी जाएगी। नहीं होगी तो इतना खरुस होगा कि उसको मार पाना, उसका सामना कर पाना किसी के औकात के बस के बाहर होगी। प्रस्तुत पाठ के आधार पर यह कहा जा सकता है कि बच्चे का अपने पिता से अति जुड़ाव था पाठ के आधार पर, ठीक है। फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास न जाकर माँ की शरण लेता है। उस आपकी समझ से इसका क्या वजह हो सकता है कि पिता के पास ना जाकर डायरेक्ट माँ के पास जाता है? दो नंबर, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? तीन नंबर, आपने देखा होगा कि भोलानाथ और उसके साथी जब खेलने जाते थे, उस समय किसी न किसी प्रकार की तुकबंदी करते हैं। आपको यदि अपने खेलों या आप जब खेलते थे तो उस समय जो तुकबंदी खेल करते थे वो याद होगा तो लिखिए। चार नंबर, भोलानाथ और उसके साथियों, तीन नंबर में लिखना है बस तुकबंदी ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं लिखना है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार अलग है? भोलानाथ जो खेलता था, जो आप खेलते हैं, उसमें से क्या क्या अलग हो सकता है, ये बताना है। पाठ में आए ऐसे प्रसंग, पाठ में जो पात्र आया है ऐसे प्रसंग का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गया हो। मतलब तो ऐसे लाइन का इस्तेमाल करके आप बताइए जो आपके दिल को छू गया है। पहला तो मैं बता देता हूँ, रहरी में रहरी पुरान रहरी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, और डोली में बैठल हमार मेहरी। ये तो आप लोगों को याद होगा, ये मैं मानता हूँ कि याद होगा। छह नंबर, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक के ग्राम्य संस्कृत का चित्रण दिया गया है, ठीक है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह का परिवर्तन दिखाई दिया है? जो गांव का चित्र दिया गया है वैसा आज के गांव में क्या परिवर्तन है ये बताना है। आज के गांव में चौथरा नहीं है, पहले चौथरा हुआ करता था। सात नंबर, पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ गया होगा। अपनी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए और बताइए कि आपको कौन कौन से याद आए हैं, और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपके बचपन का वो कौन सा याद है, कौन सा लाइन है जो आप सुनते थे, मजा आता था आपको, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपसे फिर मुलाकात होगा अगले भाग में, ठीक है। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।